और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे अग्निवीर की। देखिए, अग्निवीर को लेकर सीएम योगी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीर योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैसला, जिसमें योगी सरकार सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देगी। यूपी पुलिस पीएससी में आरक्षण दिया जाएगा उन वीरों को जो 4 साल की सेवा देकर अग्निवीर से लौटेंगे। अग्निवीर का पद जो कि 4 साल का है, जहां से अब वापस लौटने के बाद आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में ये एक बड़ा ऐलान। अब इसी राह पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में भी यही फैसला लिया गया है, लेकिन ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। यूपी पुलिस पीएससी में मिलेगा आरक्षण। हाल ही में अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है 2024 की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान अग्निवीरों को खुश करने वाला। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन्ड मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। और ये बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से, बड़ी खबर जहां पर आज नीति आयोग की बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है मौजूद। नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं। नीति आयोग की ये 9वीं बैठक है। जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि दिल्ली में आज ये बैठक होने वाली है। बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी मुलाकात करने वाले हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात भी हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल मुलाकात का समय तय नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि मुलाकात संभव है। उधर नीति आयोग की बैठक के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक भी होनी है। इसमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, नीति आयोग की बैठक, साथ ही कई बैठकें और होने वाली हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में हैं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में आज मौजूद रहने वाले हैं। तो यूपी की सियासत में एक बार फिर से अखिलेश और केशव वॉर शुरू हो गया है। एक ओर से वार किया गया तो दूसरी ओर से पलटवार किया जाता है। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की सियासी जंग जो है वो फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई है। क्या है ये सियासी जंग, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक ओर से वार हो रहा है तो दूसरी ओर से पलटवार। ये सियासी जंग एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो रही है। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया है। अखिलेश ने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड है। वो मोहरा है दिल्ली के वाईफाई के, वो पासवर्ड है। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं।
अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल लें किसी से। मोहरे की बात सुनते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस को भी हाथ धोने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने चुटकी ली तो बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की कार्रवाई से ज्यादा जनता कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया। फिलहाल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच ट्विटर वार हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि दिन पर दिन बीजेपी कमजोर हो रही है, बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर है, बीजेपी में एक दूसरे को कमरत दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है, बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है, इंजन ही नहीं अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का खुद केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने लिखा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वैसे तो इस सियासी लड़ाई में मोहरे की बात नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच सियासी नोकझोंक पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ये बड़ी खबर आपको दे देते हैं लखनऊ से, बड़ी खबर जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने एसबीएसपी विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे पर आरोप तय कर दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट में दोनों पर आरोप तय किए गए हैं। डिस्चार्ज अर्जी भी एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में जल्दी गवाही भी अब शुरू की ली जाएगी। दोनों भी पर रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में सेंधमारी करने का आरोप है। 2006 का मामला, 2006 में पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने 2006 में दोनों को गिरफ्तार भी किया था। एसटीएफ ने कृष्णनगर कोतवाली में दोनों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है और दो बदमाशों को गोली लगी है। बदमाश दोनों घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करे गए हैं, इसके बाद जेल में डाले गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कुल मिलाकर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से ज्वेलरी और तमंचा बरामद हुआ है। इन बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में डकैती की। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ वाराणसी में पोस्टर लगाए गए हैं। गंगा के घाटों पर एल्विश यादव को सांपों का सौदागर बताया गया है। पोस्टर लगाए गए हैं, ये देखिए, एक पोस्टर पर जो विवाद छेड़ा है, रेड जोन में जाके जो फोटो खिंचवाई एल्विश यादव ने, जिसके खिलाफ एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई। ना सिर्फ वकील ने बल्कि वहां पर मौजूद लोगों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ना सिर्फ आम लोग बल्कि मंदिर प्रशासन के लोगों ने भी, पुजारी ने भी एल्विश यादव के साथ फोटो खिंचाई, जो विवादों में आ गई। अब इसी के बाद देखिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। भोलेनाथ को सांप पसंद है, सांपों के जहर का सौदागर नहीं। सांपों के जहर के विवाद के मामले में एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी लिया गया था और अब देखिए उनके खिलाफ, जब वो काशी में बाबा के दर्शन करने पहुंचे, एक फोटो को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब फोटो को लेकर शिकायत तो दर्ज कराई ही गई है, यही है वो फोटो जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, बल्कि अब यहाँ पोस्टर्स भी चर्चा कर दिए गए हैं एल्विश यादव के खिलाफ। एल्विश यादव का काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद विवाद उठा। विवाद इस बात पर उठा कि एल्विश यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में वीवीआईपी दर्शन कैसे किया, जिसके बाद आज वाराणसी में
के घाटों पर एल्विस यादव के खिलाफ पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि भोलेनाथ को सांप पसंद है, सांपों के जहर का सौदागर नहीं। एल्विस यादव को हमारे आराध्य काशी विश्वनाथ धाम में वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जांच होने की इसमें कार्रवाई की मांग की गई है। और इसके साथ वो फोटो चस्पा किया गया है जिस फोटो में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद एल्विस यादव ने खिंचवाया और उसके साथ जो अर्चक हैं श्रीकांत मिश्रा भी देख रहे हैं। इस पोस्टर को वाराणसी के 80 घाट उसके साथ ही जो एक दो और घाट हैं वहाँ पर पोस्टर को लगाया गया है। लंबा ये बैनर है और इस बैनर को अलग अलग जगह लगा करके ये मांग की जा रही है कि आखिर में सांपों के सौदागर कहे जाने वालों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। माफिया अतीक के गिरोह पर एक्शन लगातार जारी है, इस पर आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। इसी कड़ी में अशरफ के साले सद्दाम की फॉर्च्यूनर जब्त की गई है। बरेली पुलिस ने प्रयागराज में कुर्की की कार्रवाई की है। सद्दाम अभी जेल में बंद हैं। उमेश पाल हत्याकांड में भी सद्दाम की मिलीभगत पाई गई है। सद्दाम अतीक की काली कमाई खपाने का आरोपी है। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर निजी स्कूल में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ है। 17 जुलाई को सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सीसीटीवी की। यहां पर पिछले 3 दिनों से स्कूल में जंगली जानवर देखे जाने की जानकारी मिल रही थी। वन विभाग की टीम हरकत में आ गई, 4 टीमों का गठन किया गया है। स्कूल और उसके आसपास इन टीमों को लगाया गया है। डीएफओ पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि मौके पर एक पिंजरा लगा दिया गया है, तेंदुआ मिलने पर स्कूल बंद करा दिया गया है। जब हम उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जब वो आया, जब हमें क्लियर हो गया, तब सब चीजें, ये परसों क्लियर हुआ थी। नहीं, आज वो कर रहे हैं, हम इसको ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आज। कानपुर में करोड़ों रुपए के नोटों की कटिंग मिली है। सर्विस रोड पर नोटों की कटिंग पड़ी होते ही ये सूचना मिलने पर एसडीएम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आरबीआई और इनकम टैक्स की टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद नोटों की कटिंग को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। पूरा मामला अरोल थाना क्षेत्र के मेंडुआ गांव रोड का है। बताओ, करोड़ों रुपए काट के चला गया, क्या फायदा रहा? कन्नौज एआरटीओ ऑफिस में एडीएम और एएसपी ने छापेमारी की है। दोनों अफसरों के साथ यहां पहुंची फोर्स ने दौड़ा दौड़ा कर दलालों को पकड़ा है। अचानक से छापेमारी करके टीम ने 14 दलालों को हिरासत में लिया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया गया है। सभी के खिलाफ केस दर्ज करके इनको जेल भेज दिया गया है। कि एआरटी ऑफिस का नौज के बाहर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं और मड़ैया डाल ली हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं। जो भी एआरटी ऑफिस में किसी काम से आते हैं लोग, लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल कराने या अपना चालान का भुगतान कराने, तो वो उन्हें धमकाते हैं, कहते हैं कि हमारे माध्यम से ही तुम्हारा काम हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और इस तरह से उनसे अवैध वसूली करते हैं। इस सूचना पर आज एडी प्रशासन, मेरे व सी ओ सिटी और सी ओ इंडर ट्रेनिंग और कोतवाली प्रभारी के साथ पुलिस टीम लेकर दबिश दी गई, जिनमें 14 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया। यूपी में आज और कल बारिश का अनुमान है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। कल कई जिलों में और आज बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, हाथरस, आगरा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, औरैया, प्रयागराज, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्र, अलीगढ़, चंदौली समेत यूपी के कई शहरों में तेज बारिश हो सकती है।
तो कहीं ऐसे जिले जहां पर बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी, गर्मी से तो राहत मिलेगी लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जलभराव की है।